नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। इस वक्त उत्तराखंड, यूपी और गोवा में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बम्पर वोटिंग हुई है, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन तीनों ही राज्यों में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो पिछला वोट प्रतिशत था उससे करीब करीब 10% वोट दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा बढ़े हुए। उत्तर प्रदेश में आज जिस दिलचस्पी के साथ, जिस मन से, जिस लगन से उत्तर प्रदेश के वोटरों ने वोट दिया है, वह काफ़ी ही मायने रखता है। वह इस मामले में भी मायने रखता है, क्योंकि कभी भी ज़्यादा वोटिंग हमेशा विपक्ष को ताकतवर करती है। आप सबको याद होगा, आप सब इस बात के जानकार हैं कि जब भी वोटिंग ज़्यादा होती है तो उससे विपक्ष ताकतवर होता है। उससे ये होता है कि नई सरकारें बनती हैं, सत्ता बदलती हैं। इसलिए हमेशा चुनाव विश्लेषकों का, राजनीतिक जानकारों का इस बात पर निगाह टिकी होती है कि वोट प्रतिशत क्या है। अब 7 बज चुके हैं जब मैं आप सबसे मुखातिब हूं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 5 बजे तक की जो वोट प्रतिशत रहा है वह काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के जिलों में 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी 5 बजे तक। वोट 6 बजे शाम तक हुआ है वोट पोल। ऐसे में बाद के समय में जो वोटिंग प्रतिशत होता है हमेशा अप करता है। बाद का एक घंटा कई बार 10 से 15% तक वोट दिन भर का होता है। ऐसे में वोट प्रतिशत जब ज़्यादा होता है तो उसके क्या रुझान होते हैं, आज की बातचीत इस पर है। जब भी पिछले चुनावों का आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जब भी वोटिंग का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो उसमें विपक्ष यानी सत्ता से बाहर की पार्टियों का लाभ होता है। माना जाता है कि ज़्यादा वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी की होती है, सरकार विरोधी वोटिंग होती है। जो वोटिंग बढ़ी है उसका मतलब ये है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मौजूदा जो सरकार है, जो अभी यूपी में बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों लोगों को सत्ता से बेदखल करने का भी यह इशारा है कि कैसे वोट प्रतिशत जब ज़्यादा होगा तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करेगी। इसको कैसे आप आंकते हैं ये समझिए। सत्ताधारी पार्टी की एक फिक्स वोटिंग होती है, उसका एक फिक्स जनमत होता है, जनता उसके पक्ष में होती है जो सत्ता के पक्ष में है। यानी भाजपा के पक्ष के लोगों को एक फिक्स वोट है। अगर 50 से 55% वोटिंग होती है तो माना जाता है कि खतरनाक वोटिंग है, खासकर 45 से 50 की वोटिंग को माना जाता है कि सत्ता वापस लौट आएगी, जो ट्रेंड दिखाई देते हैं। लेकिन आज की जो वोटिंग हुई है बड़ी ही दिलचस्प है। तीनों ही राज्यों में, गोवा हो, गोवा में भी खूब वोटिंग हुई है, 70% से भी ऊपर वोटिंग का प्रतिशत गया है। वहीं उत्तराखंड में भी जो 5 बजे तक के रुझान है वो बताते हैं कि 60 से 65%, बहुत दुरूह इलाका है उत्तराखंड का, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। अगर मैदान की कुछ 2 दर्जन के करीब या 3 दर्जन के करीब सीटों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सीटें पहाड़ की, बहुत दुरूह इलाकों की हैं। बावजूद वोटर पहुंचा है बूथ तक, उसने वोट पोल किया है, यह एक अच्छी बात है। यह परिवर्तन का वोट है, इसको समझा जाना चाहिए कि इस तरह की जब वोटिंग रुझान होते हैं तो वह परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि असली फैसला 10 मार्च को है, लेकिन आज जिस तरह की वोटिंग हुई है, यह वोटिंग अगर जो 20 को चुनाव होने जा रहे हैं 59 विधानसभा सीटों पर, अगर उत्तर प्रदेश में वह कामयाब होता है, वह बना रहता है, तो यकीन मानिए कि सत्ता परिवर्तन की तरफ जनता इशारा कर रही है। यह किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, यह बात इस बात की है कि जो भी सरकार अभी चल रही है उससे जनता के सवाल, हालांकि सत्ताधारी पार्टी ने बहुत कोशिश की कि इन सवालों को डिरेल कर दिया जाए। आज जब आप अभी मुझे देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त जब आप टीवी चैनलों को खोल लेंगे तो भारत के ज़्यादातर नेशनल कहे जाने वाले चैनल इस वक्त हिजाब को दिखा रहे हैं।
हिजाब के खिजाब पर वह वोट को खींच लाना चाहते हैं। वह हिजाब पर हिंदू और मुसलमान वोट को बांट देना चाहते हैं। वह देश में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज चुनाव हुआ है, वह उनकी असली मंशा यह थी कि इस चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया जाए। लेकिन जनता मुस्तैद थी, जनता जानती थी कि बेरोजगारी, महंगाई और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह कोरोना को लोगों ने झेला है, इस समय उद्योगपति हो या फिर भारत का गरीब हो, इन दोनों ही समाजों ने बहुत ही बुरा झेला है, सर्वाधिक बेरोजगारी झेली है इन सरकारों में, तो देश ऐसे नहीं भूल सकता कि हिजाब का खिजाब चढ़ाकर आप देश के मुद्दे को बदल दें। यही कोशिश की जा रही थी। आप इस वक्त किसी भी टीवी चैनल पर जब आप चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां हिजाब की बहस चल रही है, कि कौन लड़की या लड़का क्या पहनकर जाएगा, बहस इस पर हो रही है, क्या पहनने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सवाल सोचिए कि इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, देश के सबसे बड़े राज्य जहां की 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, और सत्ताधारी पार्टी की मंशा ये है कि उसके विकास के कारनामों पर जनता बात न करे, बल्कि हिजाब पर बात करे, हिंदू मुसलमान पर बात करे। इतना ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के बीजेपी के, वह तो अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं। वह घोषित करते हैं, वह बकायदा कहते हैं कि वह जो है समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, जैसे वह खुद प्रधानमंत्री मोदी हों। आप सब जानते हैं कि समान नागरिक संहिता कानून अगर भारत में बनता है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, लेकिन यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस राज्य में करते हैं जहां की चुनाव चल रहा है। इस पर चुनाव आयोग का की निगाह नहीं जा पाती है, वह देख नहीं पाता है कि असल में क्या मुद्दा है। लेकिन जरा आप सोचिए कि तमाम मुश्किलों के बावजूद जिस तरह से वोटिंग आज हुई है, उसका इशारा बिल्कुल अलग है। भले ये चैनल गजवाए हिंद लेकर बैठे हों, भले ये चैनल बेमतलब के मुद्दों को लेकर बैठे हों, लेकिन जनता इस दर्द को महसूस कर रही है कि पिछले 5 सालों में इन सरकारों के बीच जो बेरोजगारी, जैसे उत्तराखंड की बात करें अगर स्पेसिफिक, तो वहां बेरोजगारी, पलायन, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे हैं क्योंकि वहां 1700 गांव ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट की जानकारी है कि वहां एक भी लोग नहीं रहते, लेकिन वहां की सरकारों ने आखिरकार अपने विकास के मुद्दों पर वोट नहीं मांगा है। वहां की सरकारों ने यह नहीं कहा है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। वह समान नागरिक संहिता पर चाहते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इनको वोट किया जाए। इस तरह का जो लोगों को विचलित करना है, लोगों को मोटिवेट, मतलब गलत दिशा में ले जाना है, यह भी एक बड़ी चुनौती रही है वोटरों के लिए, जिसको कि साफ वोटर महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट देने जा रहे हैं, जिससे कि नया बदलाव आए, वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो बदलाव भी हो कर रहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में आप अगर देख रहे होंगे इस वक्त, तो सभी सीटों पर 5 बजे तक 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब जब फाइनल 6 बजे आएगा तो आपको करीब करीब उत्तर प्रदेश में 70% के आसपास वोटिंग प्रतिशत दिखाई देगा, और 70% वोटिंग हमेशा अच्छी मानी जाती है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपको याद होगा कि राकेश टिकैत ने एक आशंका जाहिर की थी, और उनकी आशंका को चुनाव आयोग ने जांच तो नहीं किया, हालांकि चैनल वाले राकेश टिकैत से भिड़े हुए थे। आपको याद होगा कि राकेश टिकैत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो किसान नेता हैं आप सब जानते हैं उनको। राकेश टिकैत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पक्ष का की वोटिंग 15,000 वोट से शुरू होगी और विपक्ष 0 वोट से शुरू होगा। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा नेता अगर ऐसी कोई आशंका जाहिर करता है तो जाहिर तौर पर उसके पास कुछ फीडबैक होगा, जाहिर तौर पर उसके पास कोई जानकारी होगी। उन्होंने 2 आशंकाएं जाहिर की थी, एक तो 60 बरस से अधिक के लोगों का बैलेट से जो वोट लिया गया है वह एक घपला की बात वह कह रहे थे, दूसरा चुनाव में शामिल होने वाले जो कर्मचारी हैं उनके वोटिंग में घपला हो सकता है, इसकी आशंका जाहिर कर रहे थे। यह इसके बावजूद जो वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो सत्ता फिर से वह खेल नहीं कर पाएगी जो बिहार में शिकायत हुई थी। आपको याद है बिहार में
कैसे वहां आखिरी समय में 10 से 15 सीटों पर खेल किया गया, जिसको कि बकायदा राजद के जो मुख्य नेता हैं इस समय तेजस्वी यादव ने रेखांकित किया था और बार बार कहते रहे कि सारा खेल ईवीएम से हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि ईवीएम में भी खेल हो सकता है, जिसको लेकर लगातार बुद्धिजीवी, जानकार, वैज्ञानिक सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। ऐसे में सवाल ये रहेगा और यह रुझान भी जानने वाला होगा कि क्या 20 को जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 20 फरवरी को जो 59 सीटों पर चुनाव है मध्य यूपी के आगे के हिस्से में, वहां क्या रुझान रहेगा। आज जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और शाहजहांपुर के जिले शामिल हैं। ये वो जिले हैं जहां की आज चुनाव हुआ है और जनता ने जमकर वोटिंग की है। जनता बदलाव की वोटिंग कर रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है। यह इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि झूठ के पांव, आखिर पांव कितने लंबे हो सकते हैं, वादों के पांव कितने लंबे हो सकते हैं। आप जरा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को बहस करते हुए देखिए, आप बहस करते हुए देखेंगे तो जैसे ही, जैसी भी मीडिया है, जैसे ही एंकर ये पूछती या पूछता है कि आपने विकास क्या किया है, विपक्ष का नेता पूछ रहा है जरा बताइए, तो वो बता नहीं पाते। वह बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है। वह अंततः चले आते हैं इस बात पर कि भारत सुरक्षित है, जैसे कि भारत इनके आने से पहले असुरक्षित था और यहां तमाम लोग जो है असुरक्षा में जी रहे थे। सुरक्षा का जो सवाल है वह राष्ट्र के बॉर्डर से नहीं है, वह सीमाओं से नहीं है, पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान से नहीं है, बल्कि सुरक्षा का सवाल हमारा अपनी राज्य के भीतर है। जरा उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दलित इंसिडेंट्स में आगे है, वहाँ बच्चों पर होने वाले अपराध सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार महिलाओं पर अपराध ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी का अपने सर्वोत्तम शिखर से गुजर रहा है। ऐसे में जब आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है तो जनता का मुंह हमेशा बंद तो आप कर सकते हैं, लेकिन पुल बोथ बूथ तक जाने के बाद आप क्या करते कर पाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। उत्तराखंड से जो शिकायतें आई हैं वह भी बहुत बड़ी हैं, जो कि इस बीच चुनाव हुआ है उत्तराखंड में, आज 70 सीटों पर चुनाव हुआ है और उत्तराखंड में शिकायत आई है कि बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, और इसको सभी स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पैसा और शराब बांटा गया है। हालांकि भारत में लोकतंत्र की स्थापना पैसे और शराब के बंटवारे से होती है, यह न चुनाव आयोग से छिपा है, न पार्टियों से छिपा है, न मीडिया से छिपा है, न विश्लेषकों से छिपा है, पर यह रुकता नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बावजूद अगर जनता अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएगी तो जाहिर तौर पर दारू और पैसा बांटने वालों पर एक बड़ा तमाचा लगेगा। इसलिए अभी जो चुनाव के उत्तर प्रदेश में फेज बाकी हैं, अगर वोट प्रतिशत 70-80% के बीच में होता है तो यकीन मानिए जनता बदलाव की ओर बढ़ेगी, क्योंकि जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी के बारे में लगातार ये शिकायतें आ रही हैं, अन्य दलों को भी लेकर आ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड का अगर स्पेशल बात की जाए, विशेष बात की जाए, तो उत्तराखंड में शराब और पैसा बांटने की बहुत शिकायतें आई हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बाकायदा जो पुष्कर सिंह धामी हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर सवाल उठाया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सब ने देखा होगा, कि उन पर आरोप लगा है पुष्कर सिंह धामी खुद पैसा बांट रहे हैं। उसके अलावा रामनगर में, कालाढूंगी में, नरेंद्र नगर में, इन तमाम जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन शिकायतों के बीच, इन तमाम पैसों के बदौलत वोट खरीदने का जो एक तरीका है, उन सब के बावजूद अगर सत्ता परिवर्तन की तरफ जनता बढ़ती है तो यह एक बड़ी बात होगी। और आज उत्तर प्रदेश के जिन 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव हुआ है, वह बता रहा है कि वह बदलाव की तरफ बढ़ रही है जनता। जनता को बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि रोजगार का सवाल, महंगाई का प्रश्न और सुरक्षा का सवाल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सवालों में से एक है। यह वो राज्य है जहां की लड़की का पहले हत्या से पहले रेप होता है और उसके बाद पुलिस उसे जला भी देती है। यह वो राज्य है जहां
नदियों में लाशें तैरती रहती हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अमेरिका से भी बेहतर हैं। यह वो राज्य है जहां आरआरबी एनटीपीसी के लिए छात्र इलाहाबाद में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों को ऐसे पीटा जाता है जैसे जलियांवाला बाग हो गया हो इलाहाबाद, और बावजूद उसके सरकार कहती है कि हम लेखपाल को नौकरी देते हैं, और नौकरी पर जब लोग जानना चाहते हैं तो सरकार भगा के नेपाल भेज देती है। जी हाँ, तो हम उस राज्य में रहते हैं जहाँ चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच वादों की झड़ियाँ चल रही हैं और चैनलों पर हिजाब खिताब और उसके साथ साथ गजवाए हिंद चल रहा है। इन सब के बीच अगर जनता अपने विवेक को मरने नहीं देती तो उस जनता को सैल्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक है। लगातार जिस तरह से चुनाव महंगा होता जा रहा है दोस्तों, वह भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो संघर्षों में शामिल लोग हैं, वह चुनाव से दूर होते जा रहे हैं। चुनाव की महंगाई आम जनता के प्रतिनिधियों को दूर कर रही है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि जो चुनाव हो रहा है वह सत्ता परिवर्तन का चुनाव हो, वह नए को मौका देने का चुनाव हो। लोकतंत्र इसकी वकालत करता है। लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वह सब मानती हैं कि लोकतंत्र में एकाधिकार तानाशाही की तरफ बढ़ाता है, और राजनीतिक तानाशाही इस देश की सर्वाधिक खतरे में डाल सकती है। यह देश में इस रूप में खतरे में डाल सकती है कि वह अपने वोट के लिए कर्नाटक में बहस छेड़ सकती है हिजाब पर, और जनता को उत्तर प्रदेश में यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे असली सवालों को छुपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, हम अपनी बात खत्म करें उससे पहले एक बार फिर आप सबसे कह देना चाहते हैं कि आप जब भी वोट हो रहा है तो वोट प्रतिशत बढ़ाना बहुत जरूरी है, सीधी भागीदारी करनी बहुत जरूरी है, तभी सत्ता परिवर्तन संभव है, तभी नया विकल्प संभव है, क्योंकि लोकतंत्र में एक सरकार का लगातार बने रहना यह इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि सत्ता कई बार गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करती है। वह धन का, बल का, प्रशासन का, लोभ का, लालच का, गुंडई का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, इन सब का इस्तेमाल करती है, और उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं। जब इस देश में कहा जा रहा है कि सीबीआई, कई बार अदालतें, यहां तक कि निर्वाचन आयोग पर जब सवाल उठने लगे, तो आप समझिए कि लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मारा जाएगा, वह खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि जब चुनाव चल रहे हों देश में तो आप अपनी चेतना को उन्नत रखिए, और 5 साल के लिए कुछ चंद रुपयों के लिए, शराब की बोतलों के लिए, पैकेटों के लिए, अपने विवेक को, अपनी समझदारी को कहीं भी गिरवी मत रखिए, क्योंकि 5 साल का वह 500 रुपये का शराब जो है आपको अगले 5 साल तक गुलाम बना सकती है, आपको बेरोजगार बना सकती है, आपके बच्चे को अस्पताल में मरने के लिए मजबूर कर सकती है, आपकी पत्नी बहन बेटी को रास्ते में प्रसव पीड़ा में मरने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अगर नहीं होंगी हमारे देश में अगर सस्ता इलाज नहीं होगा, और यह इलाज स्वास्थ्य सुविधाएं तभी संभव हो पाती हैं जब सरकार बदलती है, क्योंकि सरकार बदलने से जनता मजबूत होती है, वह अपनी बात कह सकती है, चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने खड़ा होकर कह सकती है कि हमने तुम्हें चुना है, तुम हमारा काम करो, अन्यथा ये देश को बेचने में कहीं का रत्ती भर भी गुंजाइश छोड़ने वाले नहीं है। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।